हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ठीक ही होंगे। तो रेसिपी बनाने से पहले सबसे पहले हम लीपते हैं चूल्हा। इधर मैंने राख निकाल दी है, अच्छे से लीपते हैं चूल्हा, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो खूब तेल के छींटे वीटे चले जाते हैं, और अगर हम सफाई से खाना बनाते हैं तो चूल्हा भी अच्छा लगता है, खाना बनाने का मन भी करता है। तो इसलिए मैंने ले रखी है मिट्टी, इसके अंदर डब्बे के अंदर यह है मिट्टी। ऐसे करके हम इसको लगाते हैं। खेत की मिट्टी लेके आती हूँ। जब खेत की मिट्टी लाते हैं तो उसी से लीपते हैं दोस्तों हम चूल्हा। गाय तो यहाँ हमारे बहुत दूर है, दूर जाना पड़ता है, इसलिए हम मिट्टी से ही लीपते हैं बस। और तो फर्श है, थोड़ा थोड़ा ऐसे घिस लेते हैं। तो कैसा लग रहा है मेरा चूल्हा आप लोगों को? चूल्हा पसंद आएगा तो मेरे चूल्हे के लिए भी कभी कभी एक लाइक कर दिया करो, धड़ाधड़ वाली। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे परसों जब मैंने पिज्जा डाला था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा आशीर्वाद भी दे रखा है, बहुत खुशी हुई। ऐसी मुझे आगे को सपोर्ट करते रहना दोस्तों। फिर से मेरे दोस्त मेरे साथ हाजिर हो गए हैं, बहुत खुशी की बात है। तो उसके लिए लिपती हूँ चूल्हा, फिर लेके आ रही हूँ आपके लिए नई रेसिपी, दिखाते हैं आपको। तब तक लिप लेती हूँ चूल्हा। जब हमारी चूल्हे की राख बच जाती है, कोयलों को साइड करके धनिया में लहसुन में ऐसे छड़क लेते हैं। इससे क्या होता है, कीड़ा नहीं लगता है कभी भी। और राख को ऐसे करके डाल दिया, कोई सी लकड़ी अच्छी होती है राख कम होती है। कोयलों को हम किनारे रख देंगे, कोयले भी काम लगते हैं कभी, जैसे हम अवन जैसा कुछ चीज बनाते हैं तो उसके लिए काम लगते हैं, कोयलों को हम संभाल लेते हैं। तो हमारी हरी भरी क्यारी दिखा दी दोस्तों, मैंने सारे लहसुन को झोल दिया है, पानी से दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी क्यारी बाड़ी में। देखिए हमारा लहसुन कितना बड़ा हो गया है, और आज मैंने सवेरे इसकी झुलाई कर दी है। नहर में पानी आया था तो मैंने नहर से ही डाल रखा पानी, नल के पानी से उतनी खाद नहीं बनती जितना नहर में पानी आ रहता। इतनी बड़ी नहर है हमारी, हम नहर से ही पानी डालते हैं। और मेरा लहसुन, ये मूली देखिए, कुछ दिनों बाद मूली के पत्ते की सब्जी खाने का मन करता है, बढ़ जाएगी। और इधर हमारा लहसुन, यह है पालक। कैसी लग रही है आपको मेरी खेती? और यह है अनार का पेड़, आम का पेड़, और ये अनार का पेड़ हमने कट कर दिया। और जो अमरूद का पेड़ है दोस्तों, इतना अच्छा अमरूद है ये, लाल वाला अमरूद। कभी अमरूद दिखेगा तो इसकी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए, अभी तो छोटा ही है ये, कभी एक बार लगा था इतना बड़ा और अंदर से लाल। तो दोस्तों, अगर आपके वहाँ खेती नहीं है, बाड़ी नहीं है, तो मुझसे गिफ्ट ले जाइए। ये देखिए, अगर आप मेरे घर पर आ सकते हो तो इतना भारी भारी टब कैसे उठाऊं गिफ्ट करने वाली हूँ। कौन मेरे घर पे आके गिफ्ट को ले जाने वाला है, जल्दी से फॉलो करो। कितना बढ़िया क्यारी हो रही, देखो लहसुन है ये, और ये है धनिया हरा हरा। अगर आपको जल्दी से मेरे घर पर आना है गिफ्ट लेने के लिए, तो जल्दी आओ और फॉलो करो। जल्दी से कमेंट करो कौन मेरे घर पर आके टप ले जाने वाले हैं गिफ्ट। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट करो, लेके आ रही हूँ आपके लिए बढ़िया सी रेसिपी, कमेंट में जल्दी लिख देना। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। करती हूँ इंतजार आपका।